मैंने यहाँ पे 1 kg देसी चिकन लिया है। आप ये बॉयलर के चिकन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैं इस चिकन को मैरिनेट करूँगी। लूँगी 2 चम्मच बड़ी दही, दो बड़ी चम्मच गार्लिक पेस्ट, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये घर में बनाया हुआ है, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसके ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल सिजलिंग करके इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके मैरिनेट करके रख दूंगी। या आप जितने देर तक रख सकते हैं वही बेहतर है। मैं 2 घंटा रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 मीडियम साइज का प्याज बारीकी से कटा हुआ, 8 से 10 लहसुन के कलियाँ, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया और 1 से 2 बन गया। और यहाँ पे है हमारा मैरिनेटेड चिकन। इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला, सॉल्ट में खाना पकाने के टाइम मिलूंगी तो स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा कश्मीरी रेड मिर्च कलर के लिए, ये ऑप्शनल है। और ये प्रिपरेशन में बनाऊंगी सरसों के तेल में। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल। तेल आपको इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है। मैं 1 kg चिकन बना रही हूँ, इसमें देखिए आपको इतना सा ऑयल लग जाएगा। देखिए मैंने कढ़ाई में इतना सा ऑयल ले लिया है, अब इसको गर्म होने दूंगी और ऑयल गर्म होने के बाद प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज को पहले अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन होके फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं सिर्फ लहसुन के पेस्ट डालूंगी, इसमें सिर्फ लहसुन, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के किया था ताकि जल ना जाए। ये पानी थोड़ा सूखेगा उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। अभी देखिए पानी सूखने लग गया है, अब मैं इसमें डालूंगी हमारा मैरिनेटेड चिकन। इसको अच्छे से चलाऊंगी, बहुत अच्छे से। अभी 8 से 10 मिनट इसको भूनना है और चिकन का कलर धीरे धीरे चेंज होते रहेगा तेल में जितना ये फ्राई होगा। चिकन जो है साइड से बहुत पानी छोड़ना स्टार्ट किया है, तो इसको बहुत देर तक, कम से कम 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम में भूनेंगे ताकि ये पानी धीरे धीरे सूखने लग जाए। 6 मिनट के बाद वापस आ रही हूँ और देखिए चिकन का कलर चेंज होने लगा है और पानी एकदम सूख के साइड से ऑयल निकलने लग गया। इस टाइम में मैं दूंगी 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी रेड मिर्च। मैं ये कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और आधी चम्मच नॉर्मल लाल रेड मिर्च, ये तीखा आपके स्वाद अनुसार होगा। मैंने मैरिनेशन के टाइम में थोड़ा सा दिया था तो अभी मैं थोड़ा और दे दूँ और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया। अब इस टाइम में मैं
ऐसे इत्थो सा चीनी का दाना इसमें। मुझे ये डिश मीठा नहीं बनाना है, बस टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना हो सके कम चीनी डालिएगा, बस इसका टेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और चीनी के साथ अब जब इसको पकाएंगे तो इसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए एकदम अच्छे से फ्राई फ्राई हो गया चिकन और मसाला सारा। अभी इस टाइम पे मैं पहली बार नमक यूज़ करूँगी। मैरिनेशन के टाइम में भी मैंने नमक नहीं डाले थे और मसाला भूनने के टाइम में भी नहीं डाले थे। अभी हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो बाद में ऐड कर दिया जाएगा। अभी मैं आंच को एकदम धीमे करके इसको थोड़ा सा ढक के 5 मिनट के लिए रख दूंगी। साइड बाय साइड मैंने पानी भी गर्म करने के लिए बैठा दिया है। ये गर्म पानी हम चिकन के अंदर डालेंगे। 5 मिनट के बाद वापस आ गई हूँ और देखिए कितना अच्छे से ऑयल छोड़ रहा है और मसाला भी एकदम भून गया है। आप लोग बीच में भी एक बार खोल के देखिएगा ताकि नीचे से कहीं जल ना जाए। अब मैं इस टाइम में ऐड कर दूंगी लहसुन, जो मैंने होल लहसुन बीच में से कट के रख दिया था। इसको अभी मैं इसके अंदर दे के और भी 4 से 5 मिनट ढक के रख दूंगी। 5 मिनट के बाद फिर से ढक्कन खोल के मैं इसमें डाल दूंगी गरम पानी। मैं ये रेसिपी कढ़ाई में ही बनाऊंगी। अगर आपका चिकन ज़्यादा टेंडर नहीं होता है तो उसको आपको प्रेशर में डालना हो सकता है, पर मेरा ये चिकन का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला मेरा कढ़ाई में ही बॉयल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पानी डाल के ढक के फिर से पकने के लिए दूंगी। भूनना मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगता है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको एक व्हिसल तक बॉईल कर सकते हैं। चिकन जो मेरा अभी पूरी तरह से पक गया है और चिकन काफ़ी टेंडर भी हो गया, तो अभी मैं इसको ढक्कन हटा के हाई फ्लेम में थोड़ा सा ड्राई होने के लिए दूंगी। आप चाहे तो ग्रेवी में भी बना सकते हैं, पर ये रोटी या पराठे के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। नमक जो है आप उतारने के पहले थोड़ा चेक कर लीजिएगा आपके टेस्ट के अनुसार। आपको अगर लगे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। मैंने लास्ट में थोड़ा सा नमक डाला था, अभी भी दे रही हूँ बस। और ये हमारा बनके रेडी हो गया। गैस को ऑफ कर रही हूँ। अब इस टाइम पे इसको थोड़ा सा ढक के, इसका स्टैंडिंग टाइम थोड़ा सा दीजिए, ढक के बस रख दीजिए 5 से 10 मिनट बाद अब इसको सर्व कर लीजिए। Thank you for watching guys. If you like this recipe, please subscribe to my channel and share this video to your family and friends. And if you have any recipe suggestions that you want me to make, then please comment down and let me know. And if you try my recipes, then please send me the pictures. Thank you.